भूख लग रही है, स्नैक्स तो चाहिए, खाना वड़ा पाव, स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लोगों की जिंदगी के साथ। ये स्नैक्स है मैं और हमारी यहाँ पे पार्टी हो रही है। लाइक थैंक यू सो मच। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 8। एकदम सडन सरप्राइज व्लॉग है यारो। अभी सुबह सुभ मैं सो रहा था, सोने गया था 3-4 बजे, और थक भाई तुरंत आगे उठा दिया यारो, बोले कि स्पेशल जगह जा रहे हैं अपन। बोला कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह 8 बजे? बोलते जल्दी रेडी हो जा फटाफट, 20 मिनट में निकलते। तो मैं अभी बस नहा के आया, आके देखो नींद से सूजी हुई है बैगन। तो हम ना जा रहे हैं द लेजेंड, क्रिकेट के लेजेंड सचिन सर से मिलने जा रहे हैं यारो। एक इवेंट पे जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे उनसे हम लोग मिलने वाले यार। सपना पूरा हो जा रहा बैगन, बचपन में सोचते थे सचिन सर को खेलते हुए देखेंगे, मिलेंगे कभी ना कभी, मैच में देखेंगे, बट नहीं देख पाए। धोनी भाई को देख लिया अपन मैच में खेलते हुए रिसेंट CSK मैच में। कोहली भाई को देखेंगे 9 तारीख को मैच में खेलते हुए, बट सचिन सर से लाइव ऐसा मिलेंगे, फोटो खिंचाएंगे। तो यार मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने भाई, लेजेंड है, क्रिकेट के लेजेंड है। उनसे मिलने का मौका मिल रहा, मतलब उससे बड़ी बात क्या है, एज अ क्रिकेट फैन इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। हमला नहीं कर रहे, गाड़ी रेडी हो रही, 4 लोग जाने वाले, मैं, थक भाई, मोटर और सिट भाई, सब लोग वहीं हैं। निकलते, चालू करते, सुपर एक्साइटेड। सुबह 8 बजे एनर्जी आ रही, जैसे जैसे नजदीक पहुंचेंगे उनकी एनर्जी आ जाती, तो उनका ऑरा फील होता है कि उनसे मिलने जा रहा हूँ भैया। अभी हल्की सी हालत टाइट है, केवल तो बिल्कुल भी नहीं सोया, नींद में दिख रही आके, बट वहाँ जाए जब तक सही हो जाना आके। लेट्स गो गाइस, हम लोग आ गए यार, वेट कर रहे सचिन सर का, हमारे तन्मय भाई वेट कर तन्मय भाई भी आ गया, हमारे सिद्ध भाई बैठे, अल्फा भाई कहाँ है? अल्फा भाई हेलो, मोटा भाई गेम शो मजा मा, तमें गुजराती, तमें गुजराती, आप ही गुजराती, वो भी गुजराती, अच्छी बना बना ऐसा मारवाड़ी गुजराती आती यार। तो आ गया हम लोग इवेंट पे, सचिन सर को तो कब से देख रहा हूँ, मेरे को क्रिकेट में सिर्फ दो ही नाम पता है, दो ही नाम पता है। विराट कोहली, मैं ऐसा इंडिविजुअली कभी फॉलो नहीं किया, बट क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट में ये तीन बंदों को, युजी भाई अपने बड़े भाई है, धोनी और विराट, तो दोनों सर को तो भाई इसलिए देखता हूँ, दोनों का भाई भाई भी अलग, भाई अलग है। बाकी क्रिकेट सही होता तो मेरे को आज भी समझ नहीं आता, मेरे को पता है 6-4 क्या होता है, आउट क्या होता है, मेरे को नो बॉल, 6-4 क्या होता है और नो बॉल तक पता है, बस सही है। और तरीके के भी नो बॉल होते हैं क्या? उसका आगे नहीं पता, एक ही पता है वो लाइन क्रॉस, बचपन में बोलता है लाइन क्रॉस करते हैं नो बॉल, ठीक है, नो बॉल पे रन मिलता है, नॉलेज है, नॉलेज है ये। और एक और चीज पता है, बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे को पता है, क्या, हर ओवर के बाद पिच में साइड्स चेंज होती है, IPL में कौन सी तेरी फेवरेट टीम? RCB, विराट कोहली की टीम। कौन सी फेवरेट टीम है मेरी? जी भाई की टीम जो भी है वो मेरी फेवरेट। जीटी में है ना? राजस्थान में है। आरसीबी से कुछ नहीं मालूम। तुम आरसीबी फैन हो? मेरे को इतना पता है, इतना कि आरसीबी का मतलब बहुत स्टार स्टार्टेड लाइनअप रहा है, और एकदम बुरी मत कर, बुरी मत कर एकदम मत कर भाई, मत कर। मेरे को इतना पता है, एक और प्लेयर था क्रिस गेल, जो 360 मारता था किधर भी, सबसे बेस्ट IPL प्लेयर। तो ये तीनों के पास आरसीबी के सहारे हम देते हैं ऐसा जीतने लोगों को, 10-15 साल से 13 साल सचिन, फर्स्ट
स्काउटिंग इन ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी 1992 कि इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद सोर थ्रोट भी होता है, अगर प्लेयर्स को भी होता है, बिकॉज देयर इज सो मच एनर्जी ऑन द फील्ड एंड ऑल्सो इन द स्टैंड्स, राइट, द इंटेंसिटी इज एट अ डिफरेंट लेवल. Five matches that I have been part of, 92, 96, 99, 2003 and 11. So all those five times that we played, we won. Tally ho sakte ho. Sirf ek cheez thi aur hamesha rahegi jo Hindustan ko jod de. Sharjah mein uthti aandhi ka चुटकी में रुख मोड़ दे. क्या पता था उस तूफान को कि सामने वो खड़ा है जिसके जज्बे में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की दुआओं का असर पड़ा है. जब आप और मैं सोते थे रात की खामोशी में ओढ़ कर चादर, तो मुंबई के दादर में सांस ले रहे थे क्रिकेट के गॉडफादर. कि 22 गज के बीच 24 सालों की खुशियां भी समाई और आचरेकर सर के दिए 13 सिक्के बने दुनिया की सबसे बड़ी कमाई. शिवाजी पार्क गवाह था कि अब रचा जाएगा क्रिकेट का नया इतिहास. उम्र छोटी थी पर हौसलों का बवंडर था इनके पास. कि जर्सी नंबर 10 जहां खड़े होते, रिकॉर्ड्स वहीं से शुरू होते. 16 नवंबर 2013 को याद कर हम आज भी है रोते. पता नहीं सर क्या पावर थी आप में, कि आउट आप होते और टीवी हमारे यहां बंद हो जाता. कोई कितना भी नास्तिक क्यों ना हो, पर आपकी बैटिंग के वक्त हाथ जोड़कर दुआ जरूर मांगता कि सचिन है तो उम्मीद है. यह आपने विश्वास दिलाया. हमने सिर्फ पढ़ा था किताबों में, पर आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया. कि आपकी बैटिंग के वक्त हमने भारत बंद होते देखा है, टूटते जज्बातों को हमने फिर से जुड़ते देखा है. आपके बैट से भी ज्यादा भारी लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, आपके बैट से भी ज्यादा लोगों की भारी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे. हर बार खरे उतरे आप अपने स्ट्रेट ड्राइव्स की तरफ बिल्कुल आराम से. कि सचिन बनना आसान नहीं, पर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा. आप जैसा ना कोई था, ना आगे कोई दूसरा होगा, ना आगे कोई दूसरा होगा. कि जर्सी नंबर 10 जहां खड़े होते, रिकॉर्ड्स वहीं से शुरू होते. 16 नवंबर 2013 को याद कर हम आज भी ये रोते. साला गरा बैगन क्रिकेट फैंस भाई, सचिन भाई को सामने देख रहे हैं मां के तेरी पहली बार भाई. मैं तो पहली बार नहीं देख रहा, बट ऐसा तो भाई ऐसा इंटरेक्शन पहली बार, मैं तो लाइफ में पहली बार देख रहा हूं वहां का. सब गूज बम्प्स वे. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, मैं मजाक से तुम्हारी एक्टिंग का, तुम्हारे कंटेंट का. जो लॉकडाउन में तुमने हंसाया है, मैं दिन भर गेम खेलता था, रात को रील स्क्रॉल करने का, तुम्हारी रील देखने का सवाल. भाई थैंक यू सो मच. गेम में खेलते हो तुम? मैं लॉकडाउन में ज्यादा खेला. गेम कौन सा तुम्हारा? PUBG. हम लोग भी PUBG फुल टाइम गेमिंग चलते रहते. बहुत अच्छा लगा यार, फैन बॉय मूवमेंट हो रहा है मेरा, मजा आया. थैंक यू सो मच. I'm a gamer, I'm a full-time streamer. Okay. Yeah, so huge fan of you, me and my sister. Bas kali aap bhai bolo. Thank you so Thank much. Hello. Do you play games? Do you like gaming? Logo ki zindagi ke sath. Huge fan moment. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Yaar bhookh lag rahi hai, snacks chahiye. Khana vada pav. Snacks chahiye. Are snacks? शेयर करते रहते एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ, बहन में शेयर करते भी. क्रेजी फैंस. थैंक यू सो मच यार. थैंक यू. विराज भाई हाय बोलो पहले तो. हेलो, कैसे है भाई? आपसे गुजरात में बात करने वाला हूँ. कैसे हो मैं? अरे एकदम जलसा. आपने जी ने गेमर छे? अच्छा. आपने फुल टाइम स्ट्रीमिंग करे छे? अच्छा. आपने गेमिंग ऑडियंस छे? हां. મને ખબર છે તમે જે ને એમઆઈ નો ડાયટ ફેન છો. કાડા ડાયટ ફેન છો? કાડા. હું જે ને આરસીબી નો ડાયટ ફેન છું. ટોપ ઓફ ગેમ છે. કીધા તા ટેબલ પે એ લોકો. કીધા તા નીચે. આવના નીચે. અચ્છા. ઓકે. 9 તારીખ મે હારવાના તમે રેડી છો? 9th મે. અરે ઘર પર મુસ્કે હરાય. સુનો,
अगर 9 तारीख को हारे हम लोग, मैं आने वाला हूँ देखो, तो भाई तू जो बोले मैं करेगा। अगर तेरा जितना भी जनता है ना सबको बोल दे मेरे को डीएम करने का, अगर मैं आ रहा तुम जो बोले वो ले भाई, जवाब जवाब दिया, जवाब दिया। एक फोटो मारेंगे यार। वैसे सचिन भाई तो चले गए, अभी पहाड़ी हो रही है कि टाइम हो गई, पहाड़ी हो रही है तो पहाड़ी के लिए द ओजी पहाड़ी हो रही है। ये शैंक्स है, वो सॉरी स्नैक्स, ये स्नैक्स है मैं और हमारी यहाँ पे पहाड़ी हो रही है भाई। थैंक यू सो मच यार, गेम खेलता आप, गेम गेम में इंटरेस्ट और बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। क्या बात है, कितने साल में बनाई है? एक डेढ़ साल हो गया आराम से, मैंने अभी शुरू किया। मैं मी इन 8 months सही है, सीरियसली होपफुली अच्छा लगा आपसे मिलके। आप गेम में खेलते हो, गेम्स में इंटरेस्ट है? हां वो ये मैं खेलता हूं कैंडी क्रश और गेम गेमिंग नहीं हो रहा चेस प्रिंस ऑफ पर्शिया। फेवरेट गेम आपका कोई भी फेवरेट गेम? बचपन में खेलता था मैं वाइस सिटी, बहुत ज्यादा वाइस सिटी खेलता, प्रिंस ऑफ पर्शिया खेलता था, मैक्स पेन खेलता था, एक नंबर। नया कब आ रहा है रिमिक्स? उसके बाद मैं बड़ा हो गया। नया रिमिक्स कब आ रहा है? नया रिमिक्स मोस्टली अब मैं घर जाऊंगा तो मोस्टली 2 दिन में आ जाएगा, एक नंबर बीट बन चुका है, एक नंबर। होप यू ऑल लाइक इट। अच्छा लगा भाई, राइट। सो डन विद द इवेंट गाइस, हो गया, सचिन सर निकल गए, सब लोग फोटो खिंचा लिए, सारे क्रिएटर से मिला, बहुत फाइन बॉय मोमेंट भी हो गया था यार। ऑरेंज गैंग से मिला, उनका बहुत बड़ा फैन बॉय है, थोड़े क्रिएटर से आरजे करिश्मा भाई, उनका कंटेंट इतना देखता हूँ, इतना शेयर कर देना, मैं मेरी सिस्टर इन सबसे मिला, फैन बॉय मोमेंट हुआ। सचिन सर से तो ओ माय गॉड इनसेन भाई, एक्सप्रेस नहीं कर सकते यार, एज अ क्रिकेट फैन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो तुम ब्लैंक हो जाते जब ऐसे लेजेंड से मिलते ना, ब्लैंक हो जाते यार। मैं उनसे मिला, गले थोड़ा हाथ मिलाया यार, फोटो खिंचाया, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है यार, बहुत मजा आया। थक भाई ओपी, मेरे को तो पता भी नहीं था मेरे को आना है, सीधा सुबह उठाया, 4 बजे सोया था, 8 बजे उठाया, आ जाओ बोल के, अब जाके मेरी जोर से आके सुन गई थी, अब नॉर्मल हुई उनको देखने के बाद में। क्रेजी इवेंट भाई, बहुत मजा आया यार, अब निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ मेरा प्लान है कि एप्पल पे जो नया एप्पल का जो नया स्टोर खुला, फर्स्ट एवर स्टोर इंडिया का, ये बीकेसी में हम लोग, तो बीकेसी में देख लें, मजा आएगा। तो क्रेजी था भाई, माँ का सब इनसेन एक्सपीरियंस, इन सब क्रिएटर से मिलके बात करके बहुत कुछ सीखे, बहुत कुछ मजा आया। निकलते हैं यहाँ से। ये हमारे नुमून भाई, मैं इनको पूछा यार कि मैं सचिन सर के साथ फोटो खिंचाया था ना, मैं बोला देख भाई ये फोटो है, कैप्शन क्या था तू? सीट भाई से पूछा, सीट भाई कुछ नरेट कर रहे थे, साइड में आके बोलता शॉर्ट एंड सिंपल, वन विद माम, क्या माम के साथ, माम से मिला, माम से मिला, माम से मिला। सचिन भाई कमेंट करते ऐसी फोटो में, तो सोचो मजा आया माम, मजा आया माम। तो आगे आ रहे हो पब्लिक गेमिंग हाउस वापस आ रहे हो, अभी शाम के 6 बज रहे, चीचा बोलो चीचा, हाँ तो शाम के 6 बज रहे यार, आगे अपन गेमिंग हाउस वापस आ रहे हो। एक दिन पहले मैं इंस्टा पे वेरीफाई हुआ था, मेरी आजकल जो सुबह रैली अर्ली मॉर्निंग वो जबरदस्त रैली यार, उस दिन उठा सुबह सुबह वेरीफाई हो गया, आपको क्लिप देखो, मेरा रिएक्शन देखो, मैं डाल रहा हूँ उसके बाद। तो जैसा तुम ना देख रहे, जैसे सुबह उठ रहा हूँ भाई, खुशी 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 खुशी, इसके एक दिन पहले वेरीफाई हुआ, आप लोगों के प्यार की वजह से यार, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सपना पूरा हो गया अपना। फिर आज के दिन सुबह थक भाई सर ने बता दिया, बोलते चल सचिन से मिलना है जल्दी, चल 10 मिनट में रेडी हो जा। मतलब आजकल मेरी मॉर्निंग्स बहुत अच्छी जा रही है, नजर नहीं लगना, पप्पा का आशीर्वाद है। ऐसे आप लोग प्यार दिखाते रहो, ऐसे अपन मचाते रहेंगे यार। तो यार मेरे को मेरे 2 सब्सक्राइबर्स है जो मेरे को केक भेजे जा रहे हो कि वेरीफाई हुआ इंस्टा पे, तो वो केक कटिंग करेंगे सबके साथ, अभी बहुत लोग आए हुए गेमिंग हाउस में, आज इफ्तार पार्टी है तो गेमिंग हाउस में सब आए हुए केक काटेंगे साथ में, एंड सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय करेंगे, लेट्स गो। स्पेशल है आरसीबी के विन के लिए आज, इसके लिए आरसीबी के लिए अच्छा लग रहा है, हां अच्छा लग रहा है, आओ इधर आओ, 5 गेम के बाद इधर आओ, आरसीबी जीत रहा है यार। 2 केक आए थे मेरे लिए, एक वेरिफिकेशन के लिए था और एक आज आरसीबी के लिए, अच्छा आरसीबी के विन के लिए, कांग्रेचुलेशन। हाँ लेकिन ये केक तो ब्राउन कलर का है, लाल कलर का नहीं, अंदर खाएगा अंदर लाल होता है, तो ये वेरिफिकेशन के लिए। चिचा हमारे आगे, तो फिर अपुन आए तो जीत रही, मैं क्या बोला, ना इधर ही रहोगे, तो आओ मर्जी, तुम्हारे हाथों से सबसे पहले केक काटेंगे, केक काटो। एक्चुअली गाइस ये दोनों केक यारों मेरे सब्सक्राइबर ने भेजे थे, मैं वेरीफाई हुआ था तब, बट अपन आज इसी दिन का वेट कर रहा था, आरसीबी जीतेगी और मैं केक काटूंगा, एक केक मैं काटूंगा, एक केक मर्सी काटेगा आरसीबी के नाम पे। अच्छी बात है, चलो माँ की गिरगिरी आ जाओ, फाइनली आरसीबी के फैंस लोग खुश हो रहे हैं। अरे
जीत गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से चेहरे पे रौनक उतर गई थी, हार हार के सूझ गई था। लो देव जो भी सब्सक्राइबर अपने जो भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया आरो, दिल से शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट। एक तो कार्ड, हैप्पी वेरिफिकेशन, हैप्पी वेरिफिकेशन, हैप्पी वेरिफिकेशन टू यू, खुद ही खा लो, खुद ही खा तेरा केक है, खुद ही। तो दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस, अगर आप लोगों ने ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के मारो। कौन सा बेस्ट पार्ट था ब्लॉग में कमेंट करके जरूर बताना, किस क्रिएटर के साथ इंटरेक्शन आपको सबसे अच्छा लगा। एंड सॉरी यारो, मैं आज ग्रूमिंग नहीं करा पाया था, मेरे को आज ग्रूमिंग कराना था बट सडन प्लान बन गया, सुबह 8 बजे उठा के लेके चले गए, मेरे आज 1 बजे का अपॉइंटमेंट था हेयर स्टाइलिस्ट के साथ। सॉरी मैं ऐसी हालत में गया हूँ, इतने लंबे बाल, इतने गंदे बाल करके यारो, तो कुछ दाढ़ी वाड़ी ग्रूम नहीं करा और सीधा चला गया यारो सचिन भाई से मिलने और इतने सारे क्रिएटर से मिलने, थोड़ा बुरा लग रहा बट कोई नहीं, ठीक है जैसा है वैसा है, नेक्स्ट टाइम अच्छे से ग्रूम करके जाएंगे। बट ग्रूम करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, मेरे से बड़े बाल मेंटेन नहीं हो रहे यारो, क्यों तो उसके लिए बहुत कुछ लगाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मेरे से मेंटेनेंस नहीं हो रहा, तो मैं जैसा दिखता था शॉर्ट हेयर वैसे जाऊंगा, कुछ नया लुक करना ट्राई करने का देख लेंगे, कल हेयर स्टाइल इसके बाद जाऊंगा उसका भी ब्लॉग करूंगा, कुछ अगर वो नया लुक देता तो अच्छी बात है, नहीं तो पुराने लुक पे वापस से ले लेंगे जो अपने को सूट करता था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, ब्लॉग्स पसंद आ रहे फीडबैक दो, जो पिछले 40 वीडियो पे जैसा फीडबैक हमने दिया था, मतलब कोमा है वो, बेहतरीन फीडबैक देते आप लोग, उसमें बेहतरीन रिस्पॉन्स देते, और कैसे ऐसे चैलेंजेस लेके आऊं, फीडबैक दो रहे, मतलब आइडियाज दो कि ये करो स्नैक्स भाई, ये वाला चैलेंज इसके साथ करो, इसके साथ करो, अब करो भेजो, मैं करूंगा, लेजिट करूंगा, कर रहा हूं ऑलरेडी। तो बाय बाय, पीस आउट गाइस, लव यू ऑल।